प्यारे बच्चों, अब हम आपको ले चलते हैं गांव के एक स्कूल की कक्षा में, जहां टीचर बच्चों से कुछ सवाल पूछ रहा है। अरे बेटा, होमवर्क क्यों नहीं किया? सर, लाइट नहीं थी। तो मोमबत्ती जला लेते। सर, माचिस नहीं थी। क्यों, माचिस क्यों नहीं थी? सर, पूजा घर में रखी थी। तो पूजा घर से ले लेनी थी। सर, नहाया नहीं था। अब ये नहाए क्यों नहीं थे? सर, पानी नहीं था। अरे ये पानी क्यों नहीं था? सर, मोटर नहीं चल रही थी। अरे यार, ये मोटर क्यों नहीं चल रही थी? सर, कितनी बार बताऊं कि लाइट ही नहीं थी। चुप नलायक, बैठ यहाँ। अच्छा कपिल, तुम बताओ मुझे कि अगर एक तरफ पैसा हो और दूसरी तरफ अकल, तो तुम क्या लोगे? सर, मैं तो पैसा ही चुनूंगा। गलत, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अकल चुनता। ठीक कहा सर आपने, जिसके पास जिस चीज की कमी होती है वो वही चुनता है। हाँ अनुज, तुम खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, शाबाश। अच्छा बेटा, ये बताओ कौन सी चिड़िया सबसे तेज उड़ती है? सर, हाथी। चुप नालायक, तेरे पापा क्या करते हैं? सर, मेरे पापा दाऊद इब्राहिम के शूटर हैं। शाबाश शाबाश, बच्चों लिखो लिखो, हाथी। अच्छा बेटा महेंद्र, एक बात तो बताओ, किसी साइंटिस्ट का नाम बोलो तो। सर, आलिया भट्ट। आलिया भट्ट नालायक, ये सिखा रहा हूँ मैं तुम्हें। नहीं नहीं सर, ये तो बचपन से ही तोतला है, इसका मतलब है आर्यभट्ट। अच्छा अच्छा, ठीक है, बैठो बैठो। अच्छा बेटा मोहिंदर, तुम मुझे ये बताओ कि 1869 में क्या हुआ था? सर, गांधी जी का जन्म। शाबाश शाबाश, बिल्कुल सही। अच्छा अब एक बात और बताओ कि 1872 में क्या हुआ था? सर, गांधी जी 3 साल के हो गए थे। देखो बच्चों, जो अपनी बात दूसरों को समझा ना सके वो गधा होता है। सर क्या मतलब, मुझे कुछ समझ नहीं आया। ओके, वन मोर वेरी सिंपल क्वेश्चन, नेम वन एनिमल फाउंड इन द डेजर्ट। ओके अनुज, प्लीज स्टैंड अप। अ कैमल। वेरी गुड वेरी गुड, दैट्स द राइट आंसर। नाउ टेल मी सम अदर एनिमल। अनदर कैमल। ओके ओके। अच्छा बच्चों, मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि दिल्ली में कुतुब मीनार है। अच्छा कपिल, बताओ मैं क्या कह रहा था? सर, आप कह रहे थे कि दिल्ली में कुत्ता बीमार है। अच्छा कुलविंदर बेटा, तुम्हें जो कल लेसन याद करने को दिया था वो याद करके आए हो? नहीं सर, नहीं कर पाया। अरे क्यों नहीं कर पाए भाई? सर, लाइट चली गई थी। तो क्या लाइट आई नहीं? आई थी गुरुजी, गुरुजी जैसे ही मैं पढ़ने बैठा फिर से चली गई। और उसके बाद फिर कभी लाइट आई ही नहीं? गुरुजी आई तो थी, पर मैं इस डर से पढ़ने नहीं बैठा कि कहीं लाइट दोबारा ना चली जाए। अच्छा बिकेश बेटा, ए के बाद क्या आता है? गुरुजी ए के बाद, ए क्या बोलती तू? अच्छा बेटा, मैं तेरी जान निकाल दूंगा, इसको जरा इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। तेरी इंग्लिश गई भाड़ में, तू मन्ने हाथ तो लगा के दिखा। अरे हाँ बेटा सुनील, मेरा होनहार बच्चा, सभी तुम सभी में ये सबसे अधिक इंटेलिजेंट है। अच्छा बेटा सुनील, तुम मुझे ये बताओ कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में क्या फर्क होता है? सर, इंपोर्ट का मतलब सोनिया गांधी और एक्सपोर्ट का मतलब सानिया मिर्जा। देखो बेटा सुनील, जरा सोच समझ के जवाब दो। अच्छा अब एक ऐसी कहानी सुनाओ जिससे हमें कुछ शिक्षा मिलती हो। सर, मैंने जब उसको फोन किया तो उसने फोन नहीं उठाया, जब उसने मुझको फोन किया तो मैंने फोन नहीं उठाया। इससे ये शिक्षा मिलती है, जैसी करनी वैसी भरनी। अच्छा बेटा सुनील, अब आखिरी सवाल, अगर तुम्हें मरने के बाद यमराज ये पूछे कि तुम स्वर्ग में जाओगे या नरक में, तो तुम कहां जाना पसंद करोगे? गुरुजी, मैं यमराज को बोलूंगा कि पृथ्वी से मेरा मोबाइल और चार्जर मंगवा दे,
फिर मैं कहीं भी रह लूंगा, चाहे मुझे स्वर्ग भेजो या नर्क भेजो। नलायको खड़े हो जाओ, ये पढ़ाया मैंने तुम्हें आज तक, तुमने मेरा पूरा नाम मिट्टी में मिला दिया। तुम ऐसे नहीं मानोगे, मैं तुम्हें आज छठी का दूध याद करा के छोड़ूंगा। लाल कर दिया गुरु जी। तुम बच्चों के जवाबों ने तो मेरा दिमाग ही झकझोर दिया है, ये सीने में भी दर्द उठ रहा है, लगता है मुझे चक्कर आ रहा है। पानी पानी पानी। तो ये थी प्रस्तुति बाल दिवस पर आप प्यारे बच्चों के लिए। अगले बाल दिवस पर फिर मिलेंगे, हंसेंगे हंसाएंगे। बाल दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।